हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फंक्शंस। फंक्शंस में हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की शुरुआत करने के पहले अपन एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से अपन कुछ कोशिश करते हैं समझने की। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स का। अगर मैंने वाई इक्वल टू साइन एक्स का एक ग्राफ बनाया, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का मैं ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाऊँगा ताकि बड़ा इंटरवल अपन ले सकें। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1, और ये ले लिया मैंने -1, -1, 0, 1, और ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये मैंने y इक्वल टू साइन एक्स जो है इसका ग्राफ लिया है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये 0 है, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, यहाँ 5 पाई होगा, यहाँ 6 पाई होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ -π होगा, यहाँ -2π होगा, यहाँ -3π होगा, यहाँ -4π होगा। अब देखो, मैं इस ग्राफ को देखा, मैंने इस ग्राफ को देखा तो मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि अगर मैं इस ग्राफ को 0 से 2π तक वाला ग्राफ में देखूं तो 0 से 2π वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आगे जाकर रिपीट होने लगा। देखो भाई, ये वाला ग्राफ जो है वो आगे जाकर रिपीट होने लगा। सेम यही ग्राफ 2π से लेकर 4π तक है, सेम यही ग्राफ, कोई चेंज नहीं है। जो ग्राफ 0 से 2π तक है वही ग्राफ 2π से 4π तक है। सेम वही ग्राफ जो है वो 4π से 6π तक है। देखिए जरा, सेम यही ग्राफ जो है वो 4π से लेके 6π तक है। हम कह सकते हैं सेम ऐसी जो सेम यही ग्राफ 6π से लेके 8π तक होगा, सेम यही ग्राफ 8π से 10π तक होगा, सेम यही ग्राफ 10π से 12π तक होगा। इस तरीके से ये आगे जाके ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेम यही ग्राफ जो है वो -2π से लेके 0 तक है। जो 0 से लेकर 2π तक था वही ग्राफ आप देखो, वही ग्राफ -2π से लेकर 0 तक है। वही वाला ग्राफ जो है वो -4π से लेकर -2π तक है। तो देखो, ये जो फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, जिसका मैंने ये ग्राफ देखा है, ये मैंने ग्राफ ऑल रियल नंबर में बनाना चाहा था, तो इस तरफ भी ये ग्राफ इन्फाइनाइट तक जाए, -∞ तक जाएगा, और इस तरफ भी ये ग्राफ इन्फाइनाइट तक जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे एक चीज़ बहुत प्यारी सी चीज़ समझ में आ रही है कि ये ग्राफ 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मुझे इस ग्राफ को समझना है तो मैं केवल 0 से 2π तक के भाव समझ लूं तो वही भाव जो है वो आगे जाके, वही भावनाएं आगे जाके रिपीट हो रही हैं। जो ग्राफ 0 से लेकर 2π तक का है वही ग्राफ फिर 2π से फिर रिपीट होने लगा, 2π से 4π तक का है, फिर वही ग्राफ 4π से फिर रिपीट होने लगा, वही 4π से 6π तक का है, वही ग्राफ 6π से फिर रिपीट होगा, वो 6π से 8π तक का है, वही ग्राफ -2π से फिर रिपीट हो रहा है, -2π से 0 तक का है, वही ग्राफ -4π से फिर रिपीट हो रहा है, -4π से -2π तक का है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन अपने ग्राफ को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, सॉरी डेफिनेट टाइम इंटरवल नहीं बोलेंगे, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो ये ग्राफ अपने, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने बोला भाई 2π इंटरवल के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, 2π इंटरवल के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ, ऐसे फंक्शंस जो डेफिनेट इंटरवल के बाद फिक्स है, ये कि 2π के बाद ही कर रहा है, ठीक है, तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला भाई? ऐसे फंक्शंस जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, उसका ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगता है। भाई 0 से 2π में जो ग्राफ बना, फिर 2π के बाद वो रिपीट हो गया, 2π से 4π तक, फिर 2π इंटरवल तक सेम रहा, फिर 2π के बाद फिर रिपीट हो गया, तो 4π के बाद फिर रिपीट हो जाएगा, फिर 6π के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मतलब इस फंक्शन का ग्राफ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो
ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या निकल के आई कि ऐसे फंक्शंस जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, और थोड़ी अच्छे से बोलूं तो ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगते हैं उन फंक्शंस को अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो लिख लें भाई अपनी भाषा में पीरियोडिक फंक्शन की दो लाइन में डेफिनेशन लिख लें कि ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ एक निश्चित इंटरवल के बाद एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये पहली चीज आपने नोट कर ली, ये पहला डेफिनेशन जो था वो आपने नोट कर लिया। डेफिनेशन आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा और ये ग्राफ बना लीजिए। पहले इतना कर लीजिए, पहला पार्ट अपना हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक चीज आई दिमाग में, भाई हमने ये बोला सबसे पहले कि एक 2π इंटरवल के बाद अपने आप में रिपीट कर रहा है, क्योंकि अपन ने एक कर्व ले लिया था पूरा, बोले देखो ये सेम कर्व, फिर सेम कर्व, फिर सेम कर्व। अब मान लो मैंने एक चीज बोली, अच्छा क्या मैं ये बोलूं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 4π इंटरवल के बाद भी अपने आप को रिपीट करता है, तो क्या ये सही नहीं होगा? देख लेते हैं भाई। तो देखें भाई, 0 से 4π तक जो ग्राफ है वो क्या है? ये डबल कर्व। फिर 4π से 8π तक भी सेम यही चीज होगी ना। तो अगर मैं यही चीज बोलूं कि भाई ये जो ग्राफ है 0 से 4π तक का जो ग्राफ होगा, 0 से 4π तक कैसे दो कर्व वाले ग्राफ होंगे, एक दो, तो वैसी ग्राफ इसका जो है वो 4π से लेके 8π तक होगा, वैसी ग्राफ इसका जो है वो 8π से 12π तक का होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है y=sin x, ये एक इंटरवल 4π के बाद भी अपने ग्राफ को रिपीट करता है, तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अरे अगर मैं ये भी बोलूं कि 6π के बाद अपने आप को रिपीट करता, तो भी सत्य होगा, क्योंकि 0 से 6π में अपने पास तीन कर्व आ गए, 1, 2, 3, उसके बाद फिर वापस 6π से लेकर 12π में ऐसे ही सेम ग्राफ आ जाएगा, फिर 12π से 18π में सेम ग्राफ आ जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये 2π की जगह 4π की जगह 6π इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, तो ये भी सत्य वचन है, सही बात है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो इंटरवल होता है, जो इंटरवल वो एक तो मिनिमम इंटरवल होता है भाई, एक मिनिमम इंटरवल क्या था? 2π, और एक उसका मल्टीपल इंटरवल भी हो सकते हैं। 2π के बाद 4π भी हो गया, 4π के बाद 6π भी हो गया, 8π भी हो गया, 10π भी हो जाएगा, 12π भी हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो इंटरवल होता है, इस इंटरवल को बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। ये जो इंटरवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया? पीरियड ऑफ फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता। बस इसकी एक खास बात यह है, पीरियड ऑफ फंक्शन हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव कभी नहीं लेंगे, जीरो कभी नहीं लेंगे। तो अगर इसका पीरियड मैं कहूं कि इसका पीरियड 2π है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2π इंटरवल के बाद ही अपने ग्राफ को रिपीट करता है। इसका इंटरवल 4π है, तो बिल्कुल सही बात है, 4π इंटरवल के बाद भी अपने आप को रिपीट करता है। इसका इंटरवल 6π है, तो इसलिए 6π इंटरवल के बाद भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो भी सही है। मतलब इसके बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं। तो जो सबसे छोटा पीरियड होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ फंक्शन, सबसे छोटा जो पीरियड होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं भैया? फंडामेंटल पीरियड है कुछ, तो मतलब अपन को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो ये 2π के बाद भी मिनिमम 2π इंटरवल चाहिए था, 2π से छोटा लो, अब π के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 से π में और π से 2π में अलग अलग ग्राफ है। तो मिनिमम जो वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो पीरियड ऑफ फंक्शन की हो रही थी, वो वैल्यू क्या हो रही थी? 2π। तो जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन की होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। तो इसका फंडामेंटल पीरियड साइन एक्स का क्या हो गया हमारे पास? 2π हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो मिनिमम इंटरवल, अगर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कहें तो कम से कम 2π इंटरवल के बाद तो अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए इसका फंडामेंटल पीरियड 2π होगा। तो हमने क्या किया? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड जो है वो फंडामेंटल पीरियड, एक तीसरी डेफिनेशन आ गई। अब एक चीज और बोले सर, आप 0 से 2, आप इसका इंटरवल 2π है, तो क्या 0 से 2π में ही देख के काम चल सकता है? मैं और कुछ में देख लूँ तो और कुछ में देख लो भाई। आपने ऐसा किया, आपने कहा भाई हम तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, π/2 से देखना शुरू किया आपने, और π/2 से आप देखना शुरू किया, बस ये चलना 2π इंटरवल तक चलेगा आपको, π/2 से आप चलना शुरू किया और आप यहाँ से 2π + π/2 तक आ गए। तो जो ग्राफ π/2 से लेकर
टू पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में था, देखो यही वाला था ना भैया, ये वाला जो ग्राफ पाई बाई टू से टू पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में था, वही ग्राफ जो है वो टू पाई प्लस पाई बाई टू से लेकर फोर पाई प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा। ऐसा नहीं है आप जीरो से ही चलो, आप कहीं से भी देख लो इसको, जो पीरियडिक फंक्शन है वो उसमें आप कहीं से भी देख लो, उतने इंटरवल के बाद वो रिपीट हो गई। मैंने पाई बाई टू से देखा तो पाई बाई टू प्लस टू पाई, पाई बाई टू से टू पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब टू पाई इंटरवल का जो ग्राफ था, इंटरवल तो टू पाई है ना, फिर अगले टू पाई इंटरवल में सेम वही ग्राफ आएगा, अगले टू पाई इंटरवल में फिर वही सेम ग्राफ आएगा। तो मतलब ये है कि आप जीरो से ही देखो, ये जरूरी नहीं है, आप बीच में कहीं से भी देख सकते हो। इवन अगर आप पाई बाय थ्री से भी देखो, पाई बाय फोर से भी देखो, किसी भी एक एंगल से देखो, कहीं से भी इसको देखना शुरू करो, तो भी टू पाई इंटरवल के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो टू पाई है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियडिक फंक्शन, डेफिनेशन पीरियड ऑफ फंक्शन एंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड, ये अपन ने नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लैंग्वेज में नोट करके लिखना है तो वो भी सभी इसको देख के नोट कर लीजिएगा। तो भाई अपन ने ये तीन पॉइंट देख लिए थे, अब चौथा पॉइंट समझिए कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है तो मैथमेटिकली हम उसका पीरियड कैसे निकालेंगे। तो मैथमेटिकली पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप ग्राफिकल मेथड, उसका ग्राफ बना लो और देख लो, आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा उसका पीरियड क्या होगा, और दूसरी थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रोसेस है। मैथमेटिकल प्रोसेस ये है कि हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं या हम सॉल्व करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, हम सॉल्व करेंगे f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को और t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t हमारे पास है वही फंडामेंटल, जो t की लीस्ट वैल्यू आएगी फंडामेंटल पीरियड होगा, t तो क्या हो जाएगा हमारे पास पीरियड, और इस पीरियड की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड। तो हाउ वी फाइंड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन मैथमेटिकली, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स पुट कर देते हैं। जैसे ही अपन ये पुट करते हैं तो हमारे पास टी की कुछ वैल्यूज आती हैं, टी की जो वैल्यू आती है उसको अपन पीरियड बोलते हैं, और उसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आती है उसको अपन फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको नोट कर लें। अभी स्टार्टिंग में एक अपन छोटा सा नोट और करेंगे कि हम जो वैल्यूज पीरियड की फाइनल करेंगे उसको लास्ट में हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई क्वेश्चंस में हमारी गलतियां बच जाती हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड, हेड डाल लीजिए मेथड टू फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तब जो आएगा वो पीरियड है, उसके लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगी फंडामेंटल पीरियड होगा। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब जैसे सबसे पहला फंक्शन अपन साइन एक्स ही ले लेते हैं। हमसे बोला गया है कि भैया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो इसका डोमेन मत, तो इसका पीरियड बताइए क्या होगा, ये पीरियड होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस टी आ जाएगी। हमने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू हमारे पास आ गया एफ एक्स, तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू हो गया हमारे पास साइन एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस ऑफ साइन एक्स और इक्वल टू हो गया जीरो। यहाँ हमने लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी, तो हो गया टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, तो टू एक्स प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, तो ये हो जाएगा साइन टी वाई टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तो x पे डिपेंडेंट रहेगा, तो इसको जीरो पुट करने का कोई मतलब नहीं, इसको जीरो पुट करेंगे अपन। तो अगर हमारे पास साइन टी वाई टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो साइन की वैल्यू जीरो होती है एन पाई पे, तो टी वाई टू की वैल्यू होगी एन पाई, तो टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टू एन पाई। तो अगर मैं वैल्यूज रखूंगा जरा, तो मैं देखूंगा पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 2 पाई आएगी, 4 पाई आएगी, 6 पाई आएगी, 8 पाई आएगी, ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या जाएगी, 2 पाई आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2 पाई आ जाएगी। तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं देखूँ, यहाँ पर रख के देखूँ, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या साइन एक्स होती है, बिल्कुल होती है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा, फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई होगा। तो व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, दैट इज 2 पाई, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए भाई। अब साइन एक्स का अगर मैंने फंडामेंटल पीरियड निकाल दिया, अब हम कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं।
अगर हमें cos x का फंडामेंटल पीरियड निकालना है तो निकालिए, आप निकालिए स्वयं cos x का, इसको पॉज कर दीजिए और cos x का फंडामेंटल पीरियड निकालिए क्या आता है। सेकंड हमारे पास है, अगर एफ एक्स की वैल्यू है cos x और हम चाहते हैं cos x का फंडामेंटल पीरियड निकालना, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी को पुट कर देंगे एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी मतलब हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमने कर दिया कॉस ऑफ एक्स प्लस टी माइनस हो गया कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो टू एक्स प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, तो ये हो जाएगा टी वाई टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तो एक्स है तो एक्स को जीरो पुट करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमने पुट किया साइन टी वाई टू की वैल्यू जीरो, और साइन टी वाई टू की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से टी वाई टू की वैल्यू हो गई एन पाए, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू एन पाए। तो टी की जो वैल्यू है वो टू पाए फोर पाए ये सब आएंगे, तो फंडामेंटल पीरियड हमारे पास टू पाए हो जाएगा। हम रखें, अगर हम एक्स की जगह टू पाए प्लस एक्स रखते हैं तो कॉस ऑफ टू पाए प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अच्छा, अगर इसको टू पाई की जगह पाई रखें तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका टू पाई ही होगा। तो आंसर इज फंडामेंटल पीरियड इज टू पाई, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद फिर हम टेन एक्स का फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास टेन एक्स है, नोट करें अपने यहाँ तक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है टेन एक्स, इसका हमें फंडामेंटल पीरियड निकालना है, हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू टेन एक्स। देखो, एक तो अपन इस तरफ ला के साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, दूसरी मेथड ये है कि टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा एन पाई प्लस एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन पाई। तो टी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन पुट करने पे, जीरो नहीं होती ना मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी पाई। अब अगर मैं यहाँ रख के देखूँ तो टेन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो टेन ऑफ पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा, तो सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अगर आपने पाई बाय टू रखा होता, इससे डिवाइड बाय टू कर दो, तो पाई बाय टू रखोगे तो टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, फोर्थ। फोर्थ अपन देखते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स, अगर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाए मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू पुट कर देंगे एफ एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस टी का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। हम स्क्वायरिंग करेंगे तब मॉड अलग होगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कंसेप्ट ये होता है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होती है, तो यहाँ से एक्स पाई एक्स प्लस टी की वैल्यू जो है वो एन पाई प्लस माइनस एक्स होगी। जब हम प्लस का साइन लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, देखो माइनस में तो एक्स रहेगा तो माइनस तो कोई मतलब का नहीं है, जब हम प्लस का साइन लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो टी की वैल्यू एन पाई हो जाएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, वो हो जाएगी पाए, तो इसका पीरियड होगा पाए। अगर मैं यहाँ पे पाए रखता हूँ तो कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, और मॉड लगाया तो प्लस कॉस एक्स हो रहा है, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड पाए है। अगर आपने पाई बाई टू रख दिया तो माइनस साइन एक्स ही आएगा, तो वो एफ एक्स आएगा ही नहीं, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा हमारे पास, पाए, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ अगर हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हमारे पास है अगर एफ एक्स की वैल्यू होती है कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर पुट करते हैं एफ एक्स, तो हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस टी का जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स होगी। तो एक्स प्लस टी के अंडर रूट की वैल्यू जो है वो टू एन पाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स होगी। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूँ
तो x प्लस टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2n पाई प्लस माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। तो t की जो वैल्यू होगी वो होगी 2n पाई प्लस माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस ऑफ x। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 2 इंटू 2n पाई इंटू अंडर रूट x माइनस x। तो ये होगा, तो जो बचा है उसमें अंडर रूट x हो गई, मतलब उसमें x अपन गायब कर ही नहीं सकते। n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, जीरो फंडामेंटल पीरियड होता नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी रखेंगे वन नेचुरल नंबर्स, तो उस कंडीशन में हमारे पास अंडर रूट x रहेगा, और अंडर रूट x रहेगा मतलब इसका पीरियड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन पीरियडिक नहीं होगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, नोट आपको ये याद रखना है कि जो फंक्शन नॉन पीरियडिक होते हैं, जो फंक्शन नॉन पीरियडिक होते हैं उनको नॉन पीरियडिक ना बोल के अपीरियडिक बोलते हैं। वो क्या होते हैं, अपीरियडिक। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, अपीरियडिक फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारे पास पीरियडिक फंक्शन नहीं है, तो कैसा होगा, नॉन पीरियडिक फंक्शन या अपीरियडिक फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। निकालें आप इसका पीरियड निकालें, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू रखूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या आएगा, एक्स प्लस टी का फ्रैक्शनल पार्ट। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस टी का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। अच्छा, अब एक चीज देखें अपन, x प्लस टी का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब होता है, तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि x प्लस इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। क्योंकि अगर मैं 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँ और 1.2 प्लस 9 का फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँ तो दोनों बराबर आते हैं। तो ये चीज़ केवल तभी पॉसिबल है जब t की वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसके जो t होगा वो इंटीजर होगा, मतलब n। तो t की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, इसको अपन ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पीरियड का ग्राफ बनाते हैं तो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 तो होती है बट 1 नहीं होती। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, 0 से 1 के बीच में ये वाला, फिर 1 से 2 के बीच में ये वाला, फिर 2 से 3 के बीच में ये वाला, फिर माइनस वन से लेके जीरो के बीच में ये वाला। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो वन इंटरवल है उसके बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास अगला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। नोट नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास एफ एक्स है जो कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए 2, एफ एक्स हमारे पास कैसा है, एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के पीरियड के बारे में आप क्या बात करेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं x प्लस टी की वैल्यू निकालता हूं तो वो भी 2 आता है, तो f ऑफ x प्लस टी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी। एफ एक्स हमेशा ही एफ एक्स होगी, t की एनी वैल्यू के लिए एफ एक्स होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है इट इज़ ऑलवेज अ पीरियडिक फंक्शन, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। सही बात है, तो अपन लिखें कि कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। तो पहला हमारे पास आ गया, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड। अब देखो ये ऐसा है, विद नो फंडामेंटल पीरियड क्यों, क्योंकि कई लोग कहेंगे सर इसका पीरियड 1 नहीं होगा। अरे भाई, इंटीजर होगा पीरियड, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। अपन जब पीरियड 2 पाई लेते थे तो इंटीजर थोड़ा ना होता था, वो तो एक रैशनल नंबर होता है। इसका पीरियड 0.001 भी हो सकता है, इसका पीरियड 0.2 भी हो सकता है, इसके तो इन्फाइनेट फंडामेंटल पीरियड मतलब मिनिमम पीरियड, तो मिनिमम पीरियड इसका 0 प्लस भी हो सकता है, समझ गए ना बात को। तो इसके जो फंडामेंटल पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ कोई भी नंबर ले लोगे, इंटीजर में भी आप लोगे तो 1 हो जाएगा, अगर आप नॉन इंटीजर में लोगे तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं 1 इसका फंडामेंटल पीरियड होता है कांस्टेंट फंक्शन, गलत कहते हैं,
क्योंकि फंडामेंटल पीरियड इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज द पीरियडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगला नोट आते हैं। अगला नोट भैया बहुत ही बढ़ियादार नोट है। अगला नोट ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और जो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है इसका जो पीरियड है वो टी है, तो अगर आप के टाइम्स ऑफ एफ एक्स लोगे तो इसका भी पीरियड टी होगा। अगर आप के टाइम्स ऑफ एफ एक्स लोगे तो इसका पीरियड भी टी होगा। अगर आप एक्स प्लस ए लोगे तो इसका पीरियड भी टी होगा। अगर आप एफ एक्स प्लस माइनस लेमडा लोगे तो इसका भी पीरियड टी होगा। अगर आप इवन वन अपॉन एफ एक्स भी लोगे तो इसका भी पीरियड टी होगा। अगर आप अंडर रूट ऑफ एफ एक्स लोगे तो इसका भी पीरियड टी होगा। सही बात है, तो इन सभी का पीरियड जो होता है वो टी ही होगा, है ना। तो नोट कर ले पहली चीज, अगर हमारे पास एफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सभी का पीरियड टी होगा। आप प्रूफ करके भी देख सकते हो भाई, अगर हमारे पास इसका पीरियड टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है इसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल हो जाएगी एफ एक्स के, तो के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी के टाइम्स ऑफ एफ एक्स के, तो इसका पीरियड क्या हो गया टी। तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पास एफ एक्स का पीरियड टी है तो के टाइम्स ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का पीरियड भी टी होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लेमडा का पीरियड भी टी होगा, वन अपॉन एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा, अंडर रूट एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा। मतलब अगर मैंने ये कहा कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड आपने निकाला टू पाए, तो अगर मैं आपसे कह दूँ वाई इक्वल टू थ्री साइन एक्स तो इसका पीरियड भी टू पाए होगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू तो इसका पीरियड भी जो है वो टू पाई होगा। अगर मैं बोल दूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस माइनस फाइव इसका भी पीरियड जो है वो टू पाई होगा। अगर मैं कह दूँ वन अपॉन साइन एक्स मतलब क्या हो गया कॉसेक एक्स, तो इसका भी पीरियड जो है वो टू पाई होगा। अगर मैं कह दूँ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स तो जो इसका भी पीरियड है वो भी टू पाई होगा। तो ये हमारे पास दूसरा नोट है कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो के टाइम्स ऑफ एफ एक्स का एफ ऑफ एक्स प्लस ए का एफ एक्स प्लस माइनस लेमडा का वन अपॉन एफ एक्स का अंडर रूट एफ एक्स का सबका पीरियड जो है वो टी ही होगा। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड है टी, तो उस कंडीशन में अगर एफ एक्स का पावर एन होगा, एफ एक्स का पावर कोई भी पावर ले लो, मान लीजिए एफ एक्स का पावर आपने के ले लिया, है ना, जहाँ पे k एक इंटीजर है, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो इसका जो पीरियड होगा इसका पीरियड t अपॉन n हमें चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे n एनी इंटीजर है, मतलब t अपॉन वन भी हो सकता है, t अपॉन टू भी हो सकता है, t अपॉन थ्री भी हो सकता है, t अपॉन फोर भी हो सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा फिर बाद में कि क्या हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल से समझिए भाई, हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड तो जो होता है वो t होता है, तो बोला भैया साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, तो हमने कहा भैया साइन एक्स का पीरियड चूंकि 2 पाई होता है तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई बाय एन होगा। अब 2 पाई बाय एन में जब मैंने एन की वैल्यू पुट करी 1 तो 2 पाई आ गया, 2 पाई तो हो गई होगा, फिर मैंने एन की वैल्यू पुट करी 2 तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई बाय 2 तो टी की वैल्यू हो गई पाई। टी की वैल्यू पाई हो गई तो हमने कहा भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू निकालें अपन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई, और साइन ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स बट स्क्वायर है तो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये एफ एक्स की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वैल्यू पाई आ गई, पाई इसका पीरियड हो रहा है। फिर मैंने एन की वैल्यू रखी 3, तो जब मैंने एन की वैल्यू 3 रखी तो ये आ गया 2 पाई बाय 3, तो जैसे ही मैं एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 रखूँगा तो उस कंडीशन में ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स नहीं आएगी, तो एन इज 2 पाई बाय 3 इसका पीरियड नहीं होगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड आएगा वो पीरियड क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास पावर्स इंटीजर की रहती हैं तो हम क्या करते हैं टी बाय एन ले लेते हैं, एन एनी इंटीजर, तो टी मत तो हमारे पास टू पाई तो हो ही रहा था, फिर मैंने एन की वैल्यू 1 की जगह 2 ली तो पाई आ गया, पाई चेक किया तो पाई भी हो रहा है, फिर मैंने 3 ली तो 2 पाई बाय 3 नहीं हो रहा है, 2 पाई बाय 3 नहीं हो रहा है मतलब वो क्या होगा, मतलब पाई जो है इसका पीरियड होगा, तो आंसर इसका पाई हो गया। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन हम करें इसी कंसेप्ट बेस्ड करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू होती कॉस क्यूब एक्स, तो पावर 3 है, इंटीजर का पावर है, तो कॉस एक्स का पीरियड अगर 2 पाई होता था तो इसका पीरियड 2 पाई बाय एन होगा।
एन की वैल्यू वन लेंगे टू पाए, तो कॉस ऑफ टू पाए प्लस एक्स कॉस एक्स वो तो पीरियड हो ही रहा है। फिर मैंने एन की वैल्यू ले ली टू, एन की वैल्यू टू ले ली तो उस कंडीशन में हमारे पास टी की वैल्यू हो गई पाए, तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस पाई हो गया। तो ये हो गया कॉस क्यू ऑफ एक्स प्लस पाए, और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस क्यू एक्स। तो ये हमारे पास एफ एक्स के इक्वल नहीं आया, तो टी इक्वल टू पाए इसका पीरियड नहीं होगा, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू पाए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन इसके पीरियड के बारे में चेक करते हैं। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले यहाँ तक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगला नोट है फोर्थ, अगर हमारे पास एफ एक्स का पीरियड है टी, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा टी अपॉन मॉड ए। देखिए जरा इस चीज़ को अपन समझें कैसे होगा। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने कहा भैया एफ एक्स की वैल्यू अगर साइन थ्री एक्स है, इसके पीरियड के बारे में आप बात करें, तो साइन एक्स का पीरियड तो होता था टू पाए, तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए, टू पाए बाय यहाँ मल्टीप्लाइड थ्री से हो रहा है बाय थ्री। मैंने चेक किया, जैसे ही मैंने चेक किया तो मैंने कहा भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू निकालो, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाए बाय थ्री की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे एक्स था, वहाँ पे आप क्या रख दो, एक्स प्लस टू पाए बाय थ्री रख दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू पाए, तो ये साइन थ्री एक्स ही आ गया, थ्री एक्स आ गया मतलब एफ एक्स आ गया, तो इसका पीरियड हमारे पास क्या हो गया, टू पाए बाय थ्री हो गया। तो जब हमारे पास एफ एक्स का पीरियड जो है वो टी होगा, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड जो है वो टी अपॉन मॉड ए होगा। अच्छा यहाँ पे फिर एक चीज़ और बोल देते हैं, अच्छा ये बताओ अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालें तो क्या होगा, तो ये ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका भी टी अपॉन मॉड ए होगा। बोले अच्छा अगर इसमें लैम्डा मल्टीप्लाइड कर दें एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू लैम्डा, तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका भी टी अपॉन मॉड ए होगा। भाई जिस चीज़ से कोई फर्क नहीं करता पड़ता है अगर वो लगा देंगे तो पीरियड में कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए, ये हमारे पास नोट नंबर फोर हो गया। एलसीएम समझो, अगर मुझे एलसीएम निकालना है दो फ्रैक्शंस के, अगर हमारे पास है ए वन अपॉन बी वन और ए टू अपॉन बी टू का एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन के एलसीएम में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसका तो अपन एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपन एचसीएफ निकालते हैं, ये अपन को पता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अपन एलसीएम निकालेंगे तो एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू डैश से। तो रैशनल और इरेशनल का जो होता है एलसीएम वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, या तो रैशनल रैशनल का होता है या रैशनल इरेशनल का होता है। रैशनल और इरेशनल का, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ थ्री एंड टू पाए, तो थ्री एंड टू पाए का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो पहली चीज़ तो ये दोनों चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ गलत फहमियाँ होती हैं तो उसको अपन समझ लो। पहली चीज़ तो एक गलत फहमी ये होती है हमें जब हम पीरियड पढ़ते हैं कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स भी एक फंक्शन है, ये एक पीरियडिक फंक्शन है, और जी एक्स भी एक फंक्शन है, ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है, तो क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स एक जो फंक्शन होगा क्या ये भी हमेशा पीरियडिक ही होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एफ एक्स एंड जी एक्स की जो है वो पीरियडिक फंक्शन है, तो उस कंडीशन में एफ एक्स प्लस जी एक्स है ये मे और मे नॉट भी पीरियडिक हो, इसकी वैल्यू जो है ये पीरियडिक हो सकती है और पीरियडिक नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट भी पीरियडिक। ठीक है, तो ये गलत फहमी कभी मत पालिएगा, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, तो हमें समझ में आ रहा था इसका भी पीरियड टू पाए है, इसका भी पीरियड टू पाए है, तो इसका पीरियड टू पाए अपन ने चेक किया तो टू पाए इसका पीरियड आ गया। ठीक है, फिर हमने जो है इसका पीरियड पाई चेक किया तो पाई इसका पीरियड नहीं आया तो टू पाए इसका पीरियड होगा। अभी अपन आगे इसका कंसेप्ट भी देखेंगे, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हमने ऐसा देखा कि साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसका तो पीरियड टू पाए और इसका पीरियड वन है, लेकिन एफ एक्स का अगर आप पीरियड निकालोगे तो एफ एक्स का कोई पीरियड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वह भी आपको आगे समझ में आएगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि अगर दो फंक्शन पीरियडिक है तो उनका जो सम है वो पीरियडिक होगा ये जरूरी नहीं है, वो अपीरियडिक भी हो सकता है। और दूसरा और नोट है जो अभी बिना एक्सप्लेनेशन के वो भी नोट करना है कि मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स एक पीरियड है जिसका एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी,
और जी एक्स भी एक पीरियड है जिसका पीरियड टी है, जी एक्स एक फंक्शन है जो इसका पीरियड टी है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो है इसका भी पीरियड टी होगा ये जरूरी नहीं है, है ना। मे और मे नॉट भी इसका पीरियड टी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्यों कब कैसे कहाँ भी अपन आ रहे हैं, तो ये दो पॉइंट अपन को भी नोट करना है। इसके बाद फिर क्यों उसका रीज़न अपन देखते हैं। बेसिकली दो फंक्शंस का जो प्लस होता है और दो सब्ट्रैक्ट होता है उसमें पीरियड निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, छोटा सा कंसेप्ट होता है वो अपन समझ लें क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स, ये फंक्शन एच एक्स जो है दो फंक्शंस का समेशन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। इसका पीरियड जो है वो टी वन है और इसका पीरियड टी टू है, दोनों पीरियड एक फंक्शन है, तो इसका जो पीरियड टी होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू, प्रोवाइडेड एलसीएम इज डिसाइडेड, एलसीएम इज डिफाइंड। और ये भी नहीं होगा, बेसिकली एलसीएम डिवाइडेड बाय एन, एन इंटीजर होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय एन होगा, मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए एलसीएम हमारे पास आ गया 2π, तो हमारे पास 2π बाय एन होगा। हमने एन की वैल्यू 1 पुट करी तो 2π चेक किया, ये पीरियड हो गया। फिर हमने एन की वैल्यू 2 पुट करी तो 2π बाय 2 हो गया, मतलब पाई हो गया, मान लीजिए ये भी पीरियड हो गया। फिर हमने एन की वैल्यू 3 पुट करी तो 2π बाय 3 हो गया, मान लीजिए ये पीरियड नहीं हुआ, तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। और अगर ये भी पीरियड हो गया तो अपन चेक करेंगे 2π बाय 4, मान लीजिए ये नहीं हुआ, तो इसका पहले वाला फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो अगर कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है उनका समेशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एक का पीरियड टी वन है और दूसरे का टी टू है, तो जो फाइनल इस फंक्शन का पीरियड आएगा इन दोनों का एलसीएम डिवाइड बाय एन आएगा, वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अगला देखें भाई, क्वेश्चन देखें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स का पीरियड हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी एफ एक्स का जो फंक्शन है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोला इसका पीरियड निकालो। तो हमने कहा भाई इसका पीरियड भी 2π होगा और इसका पीरियड भी 2π होगा, अगर मैं इसका पीरियड टी लेता हूँ तो इन दोनों का एलसीएम होना चाहिए, तो 2π और 2π का एलसीएम 2π अपॉन एन होगा, तो जो पीरियड हमारे पास होगा वो 2π बाय एन होगा। मैंने एन की वैल्यू पुट करी 1, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π। 2π मैंने चेक किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2π जैसे ही अपन रखेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2π साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2π कॉस एक्स, तो एफ एक्स आ रहा है मतलब 2π, तो इसका पीरियड हो रहा है। फिर मैंने n की वैल्यू रखी 1, उनके बाद 2, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई पाए। हमने x प्लस पाई की वैल्यू निकाली एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो इसलिए पाई इसका पीरियड नहीं होगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास 2π हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारे पास इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2π हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड हमें निकालना है, तो इसका पीरियड भी पाई है और इसका पीरियड भी पाई है, अगर मैं दोनों का एलसीएम देखता हूं तो इसका भी पीरियड जो है वो पाई होगा, तो टी की वैल्यू पाई बाय एन होगी। अब मैंने सबसे पहले केस लिया, केस नंबर लिया मैंने 1, मैंने कहा जब एन की वैल्यू 1 होगी तो टी की वैल्यू होगी पाई, तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस हमारे पास मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई इज माइनस साइन एक्स, मॉड लगा है तो ये साइन मॉड माइनस खा जाएगा, यहाँ से ही माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस खा जाएगा, तो ये हमारे पास एफ एक्स ही आ गया, तो मतलब पाई जो है वो इसका पीरियड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एन की वैल्यू पुट करी 2, मैंने एन की वैल्यू पुट करी 2 तो मेरे पास टी की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, अब साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये हमारे पास माइनस साइन एक्स आएगा, मॉड माइनस खा जाएगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स, तो ये भी एफ एक्स आ गया, मतलब इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, पाई बाई 2 भी हो सकता है। फिर 3 रखा तो हमारे पास आ गया पाई बाई 3, तो एक्स प्लस पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 का मॉड एफ एक्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब हमारे पास इसका पीरियड क्या हो गया, 2π हो गया, सॉरी पाई बाई 2 हो गया, तो इस फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 2π, पाई बाई 2 हो गया, तो
इस फंक्शन का पीरियड हमारे पास पाई बाई टू आ गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक, ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस पे बेस्ड, इतना नोट कर लीजिए पहले आप अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है कॉस ऑफ 2xy3 माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x/5। बोले भैया इसका पीरियड निकालो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग ये वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें मजा आएगा आपको। तो देखिए हम कॉस एक्स का पीरियड तो होता था 2π, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है 2/3, तो ये हो जाएगा 2π/2, तो ये हो जाएगा 3π। साइन एक्स का पीरियड भी 2π होता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाइड में है 4/5, तो इसके डिवाइड में 4/5 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5π/2। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम लेंगे तो 3π और 5π का, तो एलसीएम 15π आएगा और नीचे वाले का एचसीएफ 1 आएगा, तो 15π जो है वो इसका एलसीएम आ गया। तो हमारे पास 15π/n जो है वो पीरियड की वैल्यू होगी 15π/n। अब मैंने n की वैल्यू रखी 1, तो आंसर आया 15π, और 15π हमने चेक किया f(x + t) = f(x) तो सेटिस्फाइड करेगा। फिर n की वैल्यू रखो 2, तो आंसर आएगा 15π, t की वैल्यू 15π/2। फिर f(x + t) = f(x) रख के देखेंगे, तो पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ तक हमने किया तो हमारे पास t की वैल्यू 15π/n आ गई। अब t की वैल्यू 15π/n अगर हमारे पास आ चुकी है, t की जो वैल्यू हमारे पास आई है, t की वैल्यू आई है 15π/n, मैंने सबसे पहले पुट कर दिया n = 1 किया, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 15π। फिर हमने कहा भाई हम f(x + t) मतलब x + 15π की वैल्यू रख रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे cos में ये 2/3 तो बाहर है, तो ये 2/3 और बाहर आ जाएगा हमारे, अंदर आ जाएगा x + 15π, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 4/5, और x की जगह आ जाएगा x + 15π। तो 2/3 अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2xy3, ये 3 5 15, 5 2 10, तो +10π, माइनस ऑफ साइन 4xy5, 5 3 15, और 3 4 12 12π। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा अगर कॉस में है, तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा मतलब 2 cos of 2xy3। इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है साइन में, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा, तो साइन ऑफ 4x/5। तो इसकी वैल्यू तो एफ एक्स की इक्वल आ गई, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 15π तो इसका पीरियड होगा ही होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले 15π जो है वो इसका पीरियड होगा, यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया। अब मैं एन की वैल्यू रखूँगा 2, एन की वैल्यू मैंने रखी 2। अब जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखी, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 15π/2, 15π तो अपना आ ही चुका था। अब मैंने n की वैल्यू रखी 2, अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15π/2। हम f(x + t) की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा cos of 2/3, x की जगह रखना है x + 15π/2, और माइनस हमारे पास आ जाएगा sin of 4/5, और x की जगह रखना है x + 15π/2। जैसे ही मैं ये रखूँगा, तो ये हो जाएगा cos of 2xy3। अब अंदर गया तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 5 हो गया 15। फिर यहाँ पे अपन अंदर गए, तो ये हो गया 4x/5, 2 से 2 कैंसिल, 5 से कितना हो गया हमारे पास 3, तो आंसर आ गया 6π। अब देखो ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो sin of 6π + θ तो साइन थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4xy5 आ जाएगा साइन में, लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ 2xy3, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स की इक्वल नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 15π। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 15π इस फंक्शन का पीरियड होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(g)x हमारे पास एक फंक्शन है मान लीजिए ये, तो अगर मैं ये hx है, अगर मैं h(x + t) की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हमारे पास f(g)x + t होता है,
तो भैया अगर जी ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू जी एक्स है, अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू जी एक्स है तो ये हमारे पास क्या जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, तो ये एच एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इफ जी एक्स जो है वो पीरियोडिक है, जी एक्स अगर पीरियोडिक है तो उस कंडीशन में एफ ऑफ जी एक्स भी पीरियोडिक होगा ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन तो पक्का है। अगर जी एक्स पीरियोडिक नहीं है तो होगा कि नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर जी एक्स पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक होगा ही होगा। और दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास जी एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड टू है, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड अपन टी वाई एन लेंगे, टी वाई एन उसको चेक कर लेंगे, तो उसका पीरियड जो है वो टी वाई एन होगा। हो सकता है कि भाई ये जो माइनस जैसे कॉमन आ रहा है तो एफ माइनस खा जाए, तो पीरियड टी वाई एन भी तो हो सकता है। तो अगर जी एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ जी एक्स का जो पीरियड है वो टी वाई एन अपन लेंगे, टी वाई एन हो सकता है। तो ये अपन ने दो पॉइंट यहाँ पे रहते हैं कंपोजिट फंक्शन में कि अगर जी एक्स पीरियड पीरियडिक है तो एफ ऑफ जी एक्स तो पीरियडिक होगा ही होगा, और अगर जी एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड जो है वो टी वाई एन होगा। तो इतना नोट कर लीजिए, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन इसमें बनता है जिससे ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये एफ ऑफ जी एक्स में आपने टी अपॉन एन क्यों लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन हमारे पास है कॉस ऑफ साइन एक्स, तो बेसिकली ये एक कंपोजिट फंक्शन है, कॉस ऑफ साइन एक्स है, है ना। तो क्लियर है ना, कंपोजिट फंक्शन तो क्लियर है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास मान लीजिए पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू हो रही होती कॉस एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू हो रही होती साइन एक्स, तो पी ऑफ क्यू एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस ऑफ साइन एक्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। और साइन एक्स जो इसके अंदर है वो पीरियडिक भी है भाई, जो पीरियडिक किस पे डिपेंड करेगा, जो अंदर है उस पे, एफ ऑफ जी एक्स में जो अंदर हमारे पास है वो क्या होता है जी एक्स, तो जो अंदर है उस पे, तो अंदर साइन एक्स से ये पीरियडिक है और उसका पीरियड क्या है टू पाए, तो इसका जो पीरियड अपन लेंगे वो अपन टू पाए बाय एन ले लेंगे। अब मैंने जब टी की वैल्यू पुट करी वन, तो हमारे पास टी की वैल्यू वन पुट कर, एन की वैल्यू हमने बट पुट करी वन, तो टी की वैल्यू आ गई टू पाए, ये हमने पहला केस ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाए के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस साइन ऑफ टू पाए प्लस एक्स से साइन एक्स होता है, तो ये एफ एक्स हो गई होगा, तो टू पाए तो उसका पीरियड हो गई होगा। फिर मैंने एन की वैल्यू ली टू, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू पाए बाय टू मतलब पाए। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस पाए निकाला, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ गया, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका पीरियड क्या आ गया पाए आ गया। फिर हमने पाए बाय थ्री लिया, तो पाए बाय थ्री लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास इसका जो पीरियड टू पाए बाय थ्री लिया एन की वैल्यू थ्री पे, तो उससे कुछ नहीं होगा, तो इसका जो पीरियड होगा हमारे पास वो क्या होगा पाए होगा। तो इसलिए आपको क्लियर हुआ कि अपन ने एन क्यों लिया, क्योंकि एफ कई बार जो है इसकी जो गलतियाँ रहती हैं उसको ढक लेता है। इसकी गलती ये थी कि पाए रखने पे माइनस बाहर लाता था, लेकिन कॉस माइनस खा जाता है, तो इसका पीरियड टी इक्वल टू पाए हो सकता है। तो दिस इज द पीरियड ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो पीरियडिक फंक्शन अपन पढ़ रहे थे, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं पीरियडिक फंक्शन का। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx माइनस ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाय टू इंटू एक्स, तो बोला गया है कि इसका पीरियड निकालो आप क्या होगा। तो बहुत ही आसान है भाई, अगर मैं ऐसा करूं, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ये हमारे पास जो है x वाला फॉर्म है, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिमिलरली ये दूसरा वाला हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फिर ये हो जाएगा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, फिर ये हो जाएगा 4x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, और लास्ट वाला हो जाएगा nx माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, और माइनस हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो देखो अगर ये हम 1 प्लस टू वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स अप टू एन एक्स इसका सम करते हैं, तो x बाहर आएगा और 1 प्लस टू प्लस थ्री
अप टू एन जो है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और एक इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ प्लस वाली और ये चीज़ माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स अप टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन एक्स। तो इसका पीरियड तो वन आएगा, इसका वन बाय टू आएगा, फिर इसका वन बाय थ्री, लास्ट का वन बाय एन आएगा। इन सब का जो अपन एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम तो वन आएगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ भी वन आएगा, तो हमारे पास जो पीरियड आएगा वो क्या जाएगा, वन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, एक और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है इसका, देखिए जरा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये फंक्शन अगर पीरियोडिक है, अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो ए की वैल्यू क्या होगी, फाइव एक्स नहीं फाइव ए, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव ए, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, पीरियोडिक है, तो क्या होगा। तो भाई देखो ये तो लीनियर है जब तक ए प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है, और लीनियर का भी पीरियोडिक होता ही नहीं है। हाँ कांस्टेंट पीरियोडिक होता है, तो अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो फाइव ए कांस्टेंट हो जाएगा तो पीरियोडिक हो जाएगा, और ये वाली टर्म जीरो कब होगी, जब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आ गया, ए इक्वल टू माइनस थ्री। तो इस तरीके से जो है अपन ने पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अच्छा हमारे पास फंक्शन की बेसिक थ्योरी अब कंप्लीट हो चुकी है, बस दो चार जो अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो और अपन लिख लेते हैं। देखो अपन जब अपने पास कुछ ऐसा गिवन हो, बोला गया हो कि एक फंक्शन एफ एक्स है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है कि एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स, तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे एफ एक्स की वैल्यू वन प्लस माइनस एक्स का पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर होता है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर हमारे पास ऐसा गिवन हो कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच डेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स जो होता है एफ एक्स को अपन डायरेक्ट, ये फंक्शनल इक्वेशन का कंसेप्ट है, तो वहाँ पे अपन सीधा एक्स को के इंटू एल एन एक्स ले लेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स को सीधा एक्स का पावर एन ले लेंगे। अगर हमारे पास चौथा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है तो इस कंडीशन में जो एफ एक्स है इसको हम सीधा ए का पावर के एक्स ले लेंगे। और पांचवा हमारे पास है कि अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो यहाँ पे हम एफ एक्स को सीधा के एक्स ले लेंगे। तो ये पांच चीज़ें अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ये फंक्शनल इक्वेशन में ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं कि एक्स वाई आर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एफ एक्स वल प्लस एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई तो अपने पास आ जाएगा एफ एक्स के एल एन एक्स, और जब एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई तो एक्स का पावर एन, जब एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई तो आ जाएगा ए का पावर के एक्स, और जब एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। तो इन सब का हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं फंक्शनल इक्वेशन में, तो इतना नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारे फंक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी फंक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। फंक्शन चैप्टर में अभी मैं आपको कुछ डीबीपीज सॉल्व करवाऊंगा, तो उन डीबीपीज को अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ लेक्चर्स में अपन कुछ डीबीपीज सॉल्व करेंगे, तो मिलते अपन नेक्स्ट क्लास में और डीबीज जो है वो सॉल्व करते हैं। और जिनको डीबीज की जरूरत हो वो मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपना ईमेल आईडी, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन, थैंक यू।